हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर 16 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज के अंदर मैं आपको मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल क्यों और कब किया जाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको मेलिंग्स टैब के बारे में बताया था कि इसकी सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं जाता हूँ मेलिंग्स टैब के अंदर और यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है इनवलप। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनवलप का इस्तेमाल हम लोग कब और क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में इसका इस्तेमाल हम लोग, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो इस तरह के ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए या फिर बड़े बड़े कंपनियां जो कि होम डिलीवरी करती है, एक जगह से सामान को किसी दूसरे जगह भेजती है, तो ऐसे में इनवलप तैयार हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इनवलप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इनवलप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपके सामने है डिलीवरी एड्रेस और नीचे में है रिटर्न एड्रेस। ठीक है, एक है डिलीवरी एड्रेस और एक है रिटर्न एड्रेस। तो मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है कि आपको सामान को कहाँ पर भिजवाना है। अब सामान होगा या क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो डिलीवरी मैं कर देता हूँ यहाँ से, सपोज़ मेरे को पटना करना है तो मैं यहाँ से इस तरह से एड्रेस को मैंने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है कि कहाँ से ये जो है डिलीवरी हो रहा है, यानी अपना ऑफिस, अपना कंपनी कहाँ है उसका एड्रेस देना है। तो मैं सपोज़ इसको ABC देता हूँ। ठीक है, और ABC देने के बाद इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, इतना कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कोई साइज को चूज करना तो आप इनवलप का साइज चूज कर सकते हैं अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग। आपका जैसा प्रिंटर होगा उसी साइज का यहाँ से आप चूज कर लें पेज की साइज को। ओके, उसके बाद ओके कर दें। अब आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एड टू डॉक्यूमेंट, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपने अगर डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस एक बार ऐड कर दिया तो आपको दोबारा अगर इसी एड्रेस पर भेजना है किसी भी सामग्री को तो आपको कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं इसको। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ऐड टू डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही मैंने ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। मैं यहाँ से यस कर दूंगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये रहा आपका रिटर्न एड्रेस ऊपर में और ये रहा डिलीवरी एड्रेस, और आपके सामने एक इनवलप तैयार होकर आ गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक इनवलप। लेकिन अगर आप लेबल बनाना चाहते हैं, लेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक पेज में 20 स्टिकर, आपने देखा होगा कि स्टिकर होता है ना, छोटा छोटा स्टिकर, तो ऐसे में आप बार बार किसी चीज़ को टाइप नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही चीज़, एक ही मैटर एक पेज में 50 हो जाए, एक पेज में 100 हो जाए, चलिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैंने मेलिंग स्टेप में गया, लेबल्स पे क्लिक किया, अब देखिए लेबल ओपन हो गया। यहाँ पर लिख रहा है एड्रेस, यानी आप एड्रेस डालो। अगर आपने पहले से रिटर्न एड्रेस डाला है और अगर आपको वही एड्रेस इसके अंदर डालना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ रिटर्न एड्रेस, अगर आप इस पर टिक आउट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस यहाँ से ऐड हो जाएगा जो आपने इनवलप में रिटर्न एड्रेस को डाला था। ओके, अब यहाँ पर ये भी वही ऑप्शन है प्रिंट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन,
तो अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि एक पेज में कितने सारे इंसर्ट करना है। अगर आप एक पेज में 30 इंसर्ट करना चाहते हैं तो 30 इंसर्ट होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। देखिए तो ये जो एड्रेस है वो एक पेज में 30 इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपको स्टिकर बनाना हो और एक पेज में 100 स्टिकर बनाना हो या जितना भी स्टिकर बनाना हो, आप एक ही बार में लेबल को तैयार कर सकते हैं और सेम टू सेम एक ही पेज में कई सारे सेम स्टिकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टिकर तैयार होता है और जब इसको प्रिंट किया जाता है तो ये पेज में अलग अलग भाग में निकल जाता है या फिर एक ही पेज में सारा स्टिकर निकल जाएगा, उसको अलग अलग भागों में फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से लेबल तैयार होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबल में कोई हार्ड ऑप्शन था नहीं, बस जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है मेलिंग्स टैब के अंदर, वो है मेल मर्ज। जब हम मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवलप, लेबल, ठीक है। इस तरह से यहाँ डायरेक्टरी जो भी है, इस तरह से बारी बारी से सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। अगर आप लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये लेटर बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन सबसे नीचे में जो दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यानी कि ऊपर में जितने भी ऑप्शन हैं, ऊपर में जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शन सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से शो हो रहा है लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवलप्स, लेबल्स, यहाँ से डायरेक्टरी। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी था, देख लीजिए लेटर्स, ईमेल, इनवलप, लेबल्स। तो आप यहाँ पर बारी बारी से क्लिक करें या फिर स्टेप बाय स्टेप करें। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ये आपके लिए भी अच्छा होगा। अब हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेल मर्ज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एक्चुअली मैं इस पर पहले बता दिया था इस टॉपिक पर, लेकिन मैं फिर से समझाता हूँ कि एक्चुअल में मेल मर्ज का इस्तेमाल हम लोग क्यों और कब करते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस के अंदर या कोई भी बड़ा कंपनी होता है तो उस बड़े कंपनी में कई सारे इम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और सारे इम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और सारे इम्प्लॉयज़ को एक ही लेटर भेजना होता है। अब मान लो कि एक कंपनी में 100 इम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सारे इम्प्लॉयज़ को होली का होली डेज देना है, मतलब होली का छुट्टी देना है, तो ऐसे में उसको एक लेटर लिखना होगा। बट वो लेटर अलग अलग एड्रेस का होगा, अलग अलग नेम से होगा, अलग अलग फ़ोन नंबर होगा। तो ऐसे में आपको 100 अलग अलग पेज तैयार करना होगा। लेकिन मेल मर्ज के जरिए, ठीक है, मेल मर्ज के जरिए आप मिनटों में 1000, 2000, 3000, आप जितना चाहें उतना लेटर अलग अलग नेम से, अलग अलग एड्रेस से, अलग अलग पेज में बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है राइट साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, यानी कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट में अपना काम को शुरू करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ लेटर, अगर आप ईमेल मैसेज करना चाहते हैं, इनवलप में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे। चलो अब मैं चला है अगला स्टेप में। यहाँ पूछ रहा है सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं हाउ डू यू वॉन्ट टू सेट अप योर लेटर्स, यानी अपना लेटर कहाँ सेटअप करना चाहते हैं। यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी अभी जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसी में आप काम करना चाहते हैं, या फिर स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट यानी अलग से कोई टेम्पलेट में काम करना चाहते हैं, या फिर कोई आपने पहले से बना रखा है। तो चलो मैं नया बनाता हूँ, तो मैं करूँगा यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट और करूँगा नेक्स्ट। उसके बाद अगला है सेलेक्ट, देखो ये जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपको समझना होगा कि आपको किस किस व्यक्ति के पास लेटर भेजना है या फिर किस किस का लेटर तैयार करना है, बस उसका छोटा सा एड्रेस, नेम और फ़ोन जो आप ऐड करना चाहते हैं वो बस लिख देना है। उसके बाद आपके सामने अलग अलग नेम से अलग अलग पेज में ऑटोमेटिक लेटर तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट बना हुआ है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है तो मैं करूँगा टाइप
ए न्यू लिस्ट, यानी कि मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा। अगर एक बार आपने लिस्ट बना लिया और उस लिस्ट को आपने अगर एक बार सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में, तो आप कभी भी जब आप लेटर बनाते हैं तो बस उस लिस्ट को आपको इंसर्ट कर देना है। कैसे? आप जाएंगे यूज एन एग्जिटिंग लिस्ट में और यहाँ से ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और जो आपने पहले से सेव किया था उसको आप इसमें इंसर्ट कर देना। लेकिन मेरे पास तो है नहीं, तो मैं करूँगा टाइप और न्यू लिस्ट और मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से आपके सामने खुलकर आ जाएगा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन। अगर आप खुद से अपना एड्रेस या खुद से आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, ये सब सभी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करें और बारी बारी से आप सारे ऑप्शन को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सारे ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डिलीट पे जाना है, यस कर देना है, इस पर क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है, यस करके सारे ऑप्शन को आप बारी बारी से डिलीट कर लें। और डिलीट करने के बाद अपने अनुसार आपको जो जो उसमें डिटेल्स डालना है वही आप खुद से नया बना सकते हैं। चलो मैं आप नया बना कर दिखाता हूँ। नया बनाने के लिए ऐड में जाना है। सबसे पहले आप क्या देना चाहते हैं? नेम को, तो चलो नेम में ऐड कर दिया। उसके बाद आप देना चाहते हैं ऐड जाइए, फिर उसके बाद एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐड किया। नेक्स्ट में फिर ऐड में जाऊँगा, मैं यहाँ से दूँगा मोबाइल, ठीक है, और यहाँ से नंबर, और यहाँ से अगर और कुछ देना है, सिटी, कंट्री, जो देना है जो वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अगर रीनेम करना है, जैसे मोबाइल नंबर आपको गलत लिखा गया, तो आप रीनेम कर सकते हैं, दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मूव अप भी कर सकते हैं, आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, देखिए मूव डाउन, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं। अब मेरे को ओके कर देना है। देखिए यहाँ से नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया। तो चलो मैं यहाँ से नेम डालता हूँ, यहाँ से मैं डाल दूँगा यहाँ से डीके वर्मा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर मैं यहाँ से कुछ भी डाल देता हूँ, उसके बाद एड्रेस में डाल देता हूँ कुछ भी इस तरह से। अब ये हो गया पहला व्यक्ति का लिस्ट। अब दूसरा व्यक्ति का लिस्ट बनाना है तो आप कीबोर्ड में टैब प्रेस करें, कीबोर्ड में टैब प्रेस करें, या फिर यहाँ पर न्यू एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगला नाम दे यहाँ पर, अगला फ़ोन नंबर, उसके बाद अगला एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद अगला एंट्री, तो फिर से टैब दबाएं और यहाँ से अगला नाम यहाँ से डालें, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद उसका यहाँ पर एड्रेस आपका हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद न्यू एंट्री पर फिर से क्लिक करें, फिर से ऐड दें और फिर से ये करें और ये हो गया। बस अगर आपको कोई भी एंट्री को डिलीट करना है, अगर कोई भी एंट्री को डिलीट करना है, तो आप डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे तो ये जो एंट्री था वो देखिए डिलीट हो गया। ऐड करना है तो न्यू एंट्री पर आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एंट्री को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने 1000 एंट्री बनाया, 1000 लोगों का आपने लेटर तैयार किया, तो इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कि भैया इतने सारे लोगों में किसको क्या करना है। तो इसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर एंट्री को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिक्के लिखता हूँ और यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, तो देखिए ये डिक्के वाले ऑप्शन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो मेरे को नहीं करना है। अब आपको यहाँ से करना है ओके, बस ओके कर देने के बाद इसको आपको सेव कर देना है, जो आपने अभी बनाया जिस उसको आपको सेव कर देना है, ताकि बाद में आप इसको मतलब कभी भी यूज़ कर पाएँ। तो मैं फाइल नेम देता हूँ लिस्ट और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये आपका सेव हो गया कंप्लीट। देखिए अगर दोबारा से किसी को हटाना है तो इस पर टिक आउट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो यहाँ से ओके कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने, कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ से ये जो लिखा हुआ है राइट योर लेटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको लेटर लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेटर लिखना है जो आप भेजना चाहते हैं, तो आप कुछ दूरी छोड़ दें ऊपर में नेम वगैरह इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे, या तो पहले आप इंसर्ट कर लें, जो एड्रेस था वो एक बार इंसर्ट कर लें। बस थोड़ा सा आपको और काम करना है, थोड़ा सा आपको और काम करना है। आपको जाना है मोर आइटम्स में, ठीक है। लेटर लिखने से पहले आपको जाना है मोर आइटम्स में और यहाँ से बारी बारी से बस एक बार इंसर्ट कर लेना है। नेम है तो इंसर्ट कर दिया, उसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा। ध्यान रहे आपको इंटर दबाना है, फिर मोर आइटम्स में मोबाइल नंबर इंसर्ट और क्लॉज, फिर इंटर कर देना है, फिर मोर आइटम्स, फिर एड्रेस और इंसर्ट, बस एक बार ही करना है। बस अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको लेटर लिखना है। मैं एग्जांपल्स के तौर पे एक लेटर ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लेटर तैयार कर लिया, बस
ये हो गया आपका कंप्लीट। अब अलग अलग नेम से अलग अलग बन जाएगा लेटर। देख लीजिए मैंने चार व्यक्तियों का बनाया था। अब कर देना है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स। इतना कर देने के बाद यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। देखिए रिसिप्ट यहाँ पे टू है, तो आप आगे पीछे करके देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है। चलो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये बैक, ये देखो, ये देखो, ये नेम चेंज हो रहा है। लेकिन ये तो अलग अलग नेम से अलग अलग बारी बारी हो रहा है। अगर आप चाहते हैं एक ही बार में कंप्लीट मर्ज हो जाए, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करना है और आपको एक ही बार में सारा बना लेना है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, या प्रीव्यू योर लेटर्स करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली बारी बारी से प्रीव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक है। अगर आप आगे करते हैं तो देखिए अगला आता है, ये आगे करते हैं तो अगला आता है। ध्यान दें यहाँ से, ठीक है। और अगर आप यहाँ से आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं एडिट रिसिप्ट में, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आप एक ही बार में सारे लेटर्स को तैयार करना चाहते हैं तो कंप्लीट मर्ज पे क्लिक करें और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि कौन कौन करना है। मेरे को ऑल करना है तो ऑल पे कर दूंगा और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो सारे जो हैं वो अलग अलग नेम से अलग अलग प्रिंट आउट होकर आपके सामने निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मतलब पेज में लाना चाहते हैं कि नहीं मेरे को प्रिंट नहीं करना है, बस अलग अलग नाम से अलग अलग लेटर का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करें और यहां से ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं अलग अलग नेम से अलग अलग पेज में ये इंसर्ट हो गया, देख लीजिए। तो इस तरह से आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले दिन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सेलेक्ट रिसिप्ट, जो भी है यहाँ से सारा ऑप्शन हम लोग क्लियर करेंगे। एक से दो से तीन दिन में ये मेल मर्ज कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी मेलिंग टैब। रिव्यू टैब तो ज़्यादा दिन नहीं लगता है, ये एक से दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद व्यू टैब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब के अंदर ही लगता है। तो आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।